बताना शेयर हो रहा है क्या? ठीक है, स्क्रीन विजिबल? यस सर। ये टाइटल स्लाइड दिख रहा है? यस सर। ओके, वॉइस इज क्लियर? यस। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। नाउ टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 2 ऑन यूनिट नंबर 4, न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर डिटेक्टर, मतलब न्यूक्लियर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस का साइज है 10^-15, और उसके अंदर के फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं कितने छोटे होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं न्यूक्लियर डिटेक्टर। तो हमने न्यूक्लियर डिटेक्टर के टाइप्स देखा था, गैस फील्ड डिटेक्टर, सेंटिलेटर्स, और क्या था, गैस फील्ड डिटेक्टर, सेंटिलेटर्स और सेमी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स था। उसमें गैस फील्ड डिटेक्टर्स में 5 डिटेक्टर्स है, उसमें से हमने एक डिटेक्टर पढ़ा प्रोपोर्शनल काउंटर जो सिलेबस में है। अब जो पढ़ेंगे गीगर मूलर काउंटर। अब प्रोपोर्शनल काउंटर और गीगर मूलर काउंटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि प्रोपोर्शनल काउंटर जो वर्क करता है वो लो वोल्टेज रेंज में 700 वोल्ट पे वर्क करता है, और गीगर मूलर काउंटर जो वर्क और ऑपरेट करता है वो हाई वोल्टेज 1 to 3 kV, मतलब 1000 वोल्टेज टू 3000 वोल्टेज की रेंज में ऑपरेट करता है। बाकी सब कंस्ट्रक्शन सेम है, थोड़ा सा मैकेनिज्म में फर्क डिफरेंस है। अगर प्रोपोर्शनल काउंटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ गया तो गीगर मूलर काउंटर का वर्किंग एकदम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अभी मैं बताऊंगा वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वी विल स्टडी टुडे गीगर मूलर काउंटर। ओके, एक डिफरेंस ये है कि गीगर मूलर काउंटर ऑपरेट्स इन द रीजन ऑफ हायर वोल्टेज, ठीक है, ये हाई वोल्टेज के रीजन में ऑपरेट होगा। ओके, तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेम सिमिलर टू प्रोपोर्शनल काउंटर। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये मेटालिक ट्यूब है, कॉपर की बनी हुई हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, इसका विड्थ होता है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब विड्थ मतलब इसका डायमीटर, सिलेंड्रिकल सिलेंडर का डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर, और लेंथ कैन बी वेरी 2 to 100 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की भी लेंथ हो सकती है, 3 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 50 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेंथ वेरी कर सकती है ट्यूब की, 100 सेंटीमीटर की मैक्सिमम ट्यूब की लेंथ हो सकती है या मिनिमम 2 सेंटीमीटर की लेंथ हो सकती है। ठीक है, दिस इज हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब सिमिलर टू प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल काउंटर में भी हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब था, ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर जो गैस फिल होती है 90% आर्गन, बिकॉज दिस ट्यूब और दिस गीगल मूलर काउंटर वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ आयनाइजेशन, वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ आयोनाइजेशन, इट्स वर्किंग मैकेनिज्म इज आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन किसका होता है, गैस का, इसलिए इस ट्यूब के अंदर क्या होती है 90% आर्गन और 10% इथेनॉल होता है। प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या था, आर्गन था 90%, लेकिन 10% मिथेनॉल था वहां पर, वहां क्या था, मिथिल अल्कोहल, मिथेनॉल, यहाँ क्या है, इथेनॉल, ठीक है, आर्गन कॉमन है, वहां पे भी आर्गन था 90%, यहाँ पर भी आर्गन है 90%, वहां था 10% मिथेनॉल, यहाँ है 10% इथेनॉल, ठीक है, इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल का भी यहाँ रोल है, ये रोल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना पता चाहिए कि इस ट्यूब के अंदर 90% आर्गन गैस भरी हुई है और 10% इथेनॉल, और आर्गन गैस का यूज होता है आयोनाइजेशन के लिए, ठीक है, और आगे बीच में क्या लगा है, टंगस्टन वायर, ठीक है, ये टंगस्टन वायर, ठीक है, वहां पर भी प्रोपोर्शनल काउंटर में भी एकदम सेंटर में सेंट्रल इलेक्ट्रोड था टंगस्टन वायर, यहाँ पे भी सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो ग्रीन दिख रहा है वो क्या है, टंगस्टन वायर है, डब्ल्यू से जिसको लेबल किया टंगस्टन वायर। अब टंगस्टन वायर को अंदर से सील किया है यहाँ गैस ग्लास ट्यूब से, ये जो ट्यूब दिख रही है पिंक कलर की अंदर, ठीक है, पर्पल कलर की,
तो ये क्या है, ग्लास ट्यूब। तो टंगस्टन वायर जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है उसको सील किया है ग्लास ट्यूब से, वहां ग्लास ट्यूब नहीं थी, ठीक है, वहां प्रोपोर्शनल काउंटर में टंगस्टन वायर बेयर था, उसको सील नहीं किया गया था, यहां पर सील किया है, ये डिफरेंस है। वहां था मिथेनॉल, यहाँ है 10% इथेनॉल, ये डिफरेंस है, और वायर को यहाँ ग्लास ट्यूब से सील किया गया, ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये क्या है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग लाइक एनोड एंड दिस मेटालिक सिलेंडर, जो ऑरेंज कलर का है मेटालिक सिलेंडर, एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। तो ये कैसे कैथोड और एनोड का काम करते हैं, क्योंकि इसको हाई टेंशन बैटरी लगा है, ठीक है, वहां पर भी हाई टेंशन बैटरी लगाया था, यहां पर भी हाई टेंशन बैटरी लगाया है। वहां हाई टेंशन बैटरी का लो वोल्टेज था 700 वोल्ट, गीगर मूलर काउंटर हाई वोल्टेज पे काम करता है, इसलिए ये हाई टेंशन बैटरी हाई वोल्टेज देती है, 1 to 3 kV, के मतलब किलो, किलो मतलब 3000, 1 to 3000 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है यहां पर, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रोड से, मतलब टंगस्टन वायर से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल टंगस्टन वायर से कनेक्टेड है, तो टंगस्टन वायर क्या हो गया, एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मींस एनोड, तो टंगस्टन वायर हो गया एनोड। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस मेटल, मेटल सरफेस, द मेटालिक सिलेंडर, द सरफेस ऑफ मेटालिक सिलेंडर मतलब सरफेस ऑफ हॉलो कॉपर सिलेंड्रिकल ट्यूब, तो सिलेंड्रिकल ट्यूब इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड बिकॉज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कॉपर सिलेंडर से कनेक्ट है, ठीक है, ये वाला, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड टंगस्टन वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड, और मेटालिक सिलेंडर है वो एक्टिंग लाइक अ एनोड, ओके। और अब जो भी यहाँ पे फेनोमिना होगा, जो भी होगा आउटपुट सिग्नल जो भी आएगा, वो आउटपुट सिग्नल जो है वो कौन डिटेक्ट करेगा, काउंटर, ठीक है। तो ये जो आउटपुट सिग्नल आएगा टंगस्टन वायर से, ठीक है, वो कैपेसिटर के थ्रू, एम्पलीफायर के थ्रू, स्केलर के थ्रू काउंटर पे जाएगा, और काउंटर क्या करेगा, उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यो जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम है प्री एम्पलीफायर, और स्केलअप करने का काम है स्केलर का। स्केलअप मतलब उस सिग्नल को इन्हांस करेगा, उस सिग्नल को बढ़ाएगा कौन, उस सिग्नल को एम्पलीफायर बढ़ाएगा, साथ में स्केलर भी, स्केल उसकी सिग्नल की बढ़ाएगा स्केलर, और फिर बाद में यहाँ पे काउंटर लगाया है, काउंटर उसको काउंट करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स आएगी या टंगस्टन वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब एम्पलीफायर से जाके, स्केलर से जाके काउंटर इसको काउंट करेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल ट्यूब के अंदर आया तो काउंटर दिखाएगा सिग्नल 1, अगर 2 आए तो काउंटर सिग्नल की स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सिग्नल आएगा करंट सिग्नल इसके फॉर्म में, इस पीक के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिटेक्ट करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म इज सेम एज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ, इट्स वर्किंग मैकेनिज्म इज सेम एज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर, ओके। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, सेम एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल काउंटर के समान ही इसका सेम कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है इसका गीगर मूलर काउंटर। अब वर्किंग देखेंगे, ठीक है, वर्किंग इज सिमिलर टू द प्रोपोर्शनल काउंटर, वर्किंग इज सिमिलर टू द प्रोपोर्शनल काउंटर। तो देखते हैं कि वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये वर्किंग है, ये है सिलेंड्रिकल ट्यूब, ओके, दैट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब, ओके। और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब में प्लस में ग्लास ट्यूब लगाया हुआ है, दिस ग्लास ट्यूब इज एक्टिंग एज अ एनोड, ओके, एंड दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड, इसको हाई टेंशन बैटरी लगाई है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव, और जो मेटालिक सिलेंडर है, कॉपर ट्यूब सिलेंडर है, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। 1 to 3 kV की इसमें बैटरी लगाई गई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है टंगस्टन वायर को, तो टंगस्टन वायर एक्टिंग लाइक अ एनोड, एंड कॉपर सिलेंडर जो है वो एक्टिंग लाइक अ कैथोड, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, गैस फील्ड होती है, ठीक है, आर्गन गैस। तो सपोज करो, सो वर्किंग से, वर्किंग इज द सेम एज दैट ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर। ये जो मेटालिक सिलेंडर है, ये मेटालिक सिलेंडर
एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह, और जो बीच में टंगस्टन वायर है इज एक्टिंग लाइक अ एनोड। अब देखो, प्रोपोर्शनल काउंटर में भी बताया था कि ट्यूब के अंदर आर्गन गैस होती है, तो ये सपोज करो ये आर्गन के एटम्स है, ठीक है, आर्गन गैस के एटम्स है अंदर, ये है आर्गन गैस के एटम, जो सर्कल दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, दे आर द एटम्स ऑफ आर्गन गैस। ओके, तो अब ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये मैंने बताया था सेम मैकेनिज्म है, चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस में से आ रहा है, वो चार्ज पार्टिकल बीटा पार्टिकल हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल आएगा ट्यूब के अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर ये आर्गन गैस के साथ कोलाइड करेगा, तो आर्गन गैस के साथ कोलाइड करने के बाद ये जो एनर्जी है ये बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये चार्ज पार्टिकल हाई एनर्जी के साथ आएगा, आर्गन गैस को कोलाइड करेगा, ठीक है, और अपनी एनर्जी कहाँ दे देगा, आर्गन गैस को, तो आर्गन गैस के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल कोलाइड किया, आर्गन गैस का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो आर्गन गैस क्या बन जाएगी, Ar+, आर्गन आयन बन जाएगा। तो ये देखो, जैसे ही ये कोलाइड किया चार्ज पार्टिकल ने आर्गन एटम्स को, आर्गन कन्वर्ट हो गया आर्गन आयन में Ar+, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, तो आर्गन गैस एटम का आयोनाइजेशन हो गया, चार्ज पार्टिकल आया और Ar+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट हो गया आर्गन एटम, आर्गन एटम आर्गन आयन बना और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो गया। अब क्या है कि हमने एक्सटर्नल ये लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है हाई वोल्टेज का 1 to 3 kV, तो इतना हाई वोल्टेज देने के बाद ये क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन और आर्गन जो बना है पॉजिटिव आयन, दे आर एक्सिलरेटेड, दे विल एक्सिलरेट, वो क्या होंगे, मूव होंगे, अगर हम ये बैटरी नहीं लगाते तो वो मूव नहीं होते, तो ये बैटरी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ये क्या करेगी, फोर्स करेगी, ये पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ जाने में, और पॉजिटिव आर्गन आयन को नेगेटिव के तरफ जाने में पुश करेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई वोल्टेज लगाया 1 to 3 kV का वोल्टेज लगाया, तो ये पुश करेगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर कोलाइड करेगा आर्गन एटम्स के साथ, फिर और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट, तो आर्गन का आयोनाइजेशन होता है एटम का, तो आर्गन का आयोनाइजेशन किस तरीके से होता है, देखो आर्गन चार्ज पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड किया तो आर्गन प्लस बन जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये देखो आर्गन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब ये आर्गन एटम का आयोनाइजेशन होकर आर्गन आयन बना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। ओके, तो अब क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं, हाई पोटेंशियल 1 to 3 kV, तो इस पोटेंशियल से क्या होगा, होगा ये जो भी आयन्स है वो एक्सिलरेट होंगे, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, ये देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आके जमा हो गए यहाँ पे, तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एक यहाँ पे बहुत सारे आर्गन एटम है, तो एवरी आर्गन एटम अंडरगोज द आयोनाइजेशन, तो ये आर्गन एटम आयोनाइजेशन होकर यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यही इलेक्ट्रॉन फिर से अगले एटम के साथ कोलाइड करेगा, फिर से नेक्स्ट एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो इस तरीके से एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला, इस एटम के साथ कोलाइड किया, फिर से वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जमा हो जाएंगे, टंगस्टन वायर पे, साथ साथ में हर आर्गन एटम का आयोनाइजेशन होगा, तो एवरी आर्गन एटम इज कन्वर्टेड इनटू द आर्गन आयन, तो एवरी आर्गन एटम गिव्स आर्गन आयन, और हर आर्गन आयन क्या हो जाएगा, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस है नेगेटिव, तो आर्गन आयन्स जो है वो कहाँ जमा हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस पे, इस तरीके से देखो ये आर्गन आयन्स जमा हो गए सिलेंड्रिकल सरफेस पे, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव आयन्स वहां जमा हो गए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन वायर पे जमा हो गए, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो टंगस्टन वायर पे एक्यूमुलेट हो गए, कलेक्ट हो गए, वो क्या करेंगे, टंगस्टन वायर थ्रू बाहर निकल जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, तो इससे जो करंट जनरेट होगा, करंट पल्स जनरेट होगा, वो क्या करेगा, काउंट करेगा, कौन, काउंटर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होके बाहर निकल जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, जैसे ये डायग्राम देखो,
ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स इस टंगस्टन वायर पे जमा हो गए, बाहर निकल के एम्पलीफाई जो भी है वो सिग्नल देंगे, वो सिग्नल इलेक्ट्रॉन्स का सिग्नल मतलब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो जमा हो गए टंगस्टन वायर पे वो फ्लो होके बाहर निकलेंगे, तो वो करंट सिग्नल काउंट करेगा काउंटर, तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, प्री एम्पलीफायर स्केलर उसको स्केल अप करेगा, फिर से एम्पलीफाई करेगा और काउंटर उसको काउंट करेगा। मतलब एक चार्ज पार्टिकल ट्यूब के अंदर आया उसको डिटेक्ट कौन करेगा, काउंटर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल आए वहां पे डिटेक्ट और डिटेक्ट करेगा, मतलब जितने चार्ज पार्टिकल क्यूब के अंदर आते जाएंगे उतना वो डिटेक्ट करते जाएगा काउंटर, ठीक है। तो ये था वर्किंग मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन जमा आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन से जो भी इलेक्ट्रॉन आ गए वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे आ गए, आयंस कहाँ जमा हो गए, सिलेंड्रिकल सरफेस पे जमा हो गए, और ये जो करंट मिल रहा है हमको इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है, उस करंट को बोलते हैं आयोनाइजेशन करंट। वो आयोनाइजेशन करंट कौन डिटेक्ट करता है, काउंटर। तो करंट किस सिग्नल में आएगा, इस तरीके से पीक की तरह दिखेगा सिग्नल। सिग्नल कैसे दिखेगा करंट का, ये जो अभी हमने डायग्राम देखे सिग्नल इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ये सिग्नल दिखेगा करंट सिग्नल। दिस इज कॉल्ड करंट पल्स और वोल्टेज पल्स। इसको करंट और, क्योंकि करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से, तो ये इसको बोलेंगे करंट और वोल्टेज पल्स। तो जितने चार्ज पार्टिकल आते जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग पल्स यहाँ पे जनरेट होता जाएगा काउंटर में। अब देखो ये जो मैकेनिज्म है सेम है, जैसे हमने मैकेनिज्म प्रोपोर्शनल काउंटर का पढ़ा, सेम मैकेनिज्म है, सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या है, हाई वोल्टेज दे रहे हैं हम 1 to 3 kV। तो हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, यहाँ पे एवलैंच इफेक्ट होता है। अभी एवलैंच इफेक्ट क्या होता है बताऊंगा मैं, ये यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ एवलैंच इफेक्ट होता है। एवलैंच इफेक्ट मतलब क्या, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखो एवलैंच इफेक्ट मतलब क्या होता है, ये देखो आर्गन एटम के साथ जो चार्ज पार्टिकल टकराने के बाद एक आर्गन आयन बना और इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जितने भी आर्गन एटम्स है उसके साथ कोलाइड करके दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग आर्गन एटम के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो ये एक और एक दो, तो दो से दो चार हो जाएंगे, फिर चार से आठ हो जाएंगे, आठ से 16 हो जाएंगे, 16 to 32 हो जाएंगे, 32 से 64, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, एक चेन बन रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो दैट इज कॉल्ड एवलैंच इफेक्ट, ओके। तो इसमें ग्विगर मुलर काउंटर में एवलैंच इफेक्ट होता है। क्यों एवलैंच इफेक्ट होता है, क्योंकि हम हाई वोल्टेज देते हैं, इतना हाई वोल्टेज देते हैं 1 to 3 kV, तो इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जी के साथ मूव होता है ना, तो वो जितने भी उसके पाथ में कार्बन आइटम्स दिखे, सॉरी जितने भी पाथ में उसके आर्गन आइटम्स दिखे, सभी आर्गन आइटम को कोलाइड करते करते आयनाइज करते हुए चलता है, ठीक है। उसके रास्ते में जैसे मान लो कि एक आदमी भीड़ में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ है, तो वो हर एक को धक्का देते हुए जा रहा है आगे आगे आगे, इसी तरीके से क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है और वो फास्ट चल रहा है और उसको जल्दी जाना है, ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, वो फास्ट जा रहा है, तो जितने भी आर्गन आइटम्स आएंगे उसके पाथ में हर एक आइटम के साथ टकरा के उससे भी इलेक्ट्रॉन निकालते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन बने, दो की वजह से चार, चार की वजह से एट, एट की वजह से 16, तो इस तरीके की चेन फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज कॉल्ड एवलैंच इफेक्ट। तो ये एवलैंच इफेक्ट होता है जीएम काउंटर में, ओके। तो क्या हुआ, जब चार्ज पार्टिकल ट्यूब के अंदर आ गया और उस वो जब तक ये एवलैंच इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जब तक जमा नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आता है ट्यूब में तो ट्यूब डिटेक्ट नहीं करेगा काउंटर। जब एक चार्ज पार्टिकल आके सब मैकेनिज्म देगा और जब मैकेनिज्म देके करंट पल्स जनरेट होगी, तो फिर सेकेंड चार्ज पार्टिकल आया तो वो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है, तब तक वो मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक ये सब प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन आया, आयनाइजेशन हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बन गए और सारे इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे आ गए और फिर बाद में करंट, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो फिर करंट सिग्नल मिलेगा, तो वो करंट सिग्नल डिनोट करेगा कि एक चार्ज पार्टिकल क्यूब के अंदर आया करके, ठीक है। अब सेकेंड चार्ज पार्टिकल तब तक जब तक ये वन चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता काउंटर, तब तक सेकेंड चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करेगा, तो तब तक क्या रहेगा, ये जो ट्यूब रहेगा डेड डेड स्टेट में रहेगा, तो डेट इज कॉल्ड डेड टाइम। डेड टाइम मतलब ऐसा टाइम जब तक ऐसा टाइम
जिस टाइम तक जीएम काउंटर जिस टाइम पे इनकैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द अनादर चार्ज पार्टिकल, जब तक एक चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता तब तक दूसरे चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेड टाइम। तो इसमें डेड टाइम मतलब द टाइम पीरियड फॉर विच जीएम काउंटर इज डेड, ठीक है, ऐसा टाइम जिस टाइम में काउंटर इज इनकैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एनी फर्दर न्यूक्लियर पार्टिकल, मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल एक आ रहा है उसको जब तक अच्छे से जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब वो दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। तो टाइम पीरियड फॉर विच जीएम काउंटर इज डेड कॉल्ड डेड टाइम, एंड इट इज दैट टाइम पीरियड फॉर काउंटर इज इनकैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एनी फर्दर न्यूक्लियर पार्टिकल, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये चार्ज पार्टिकल आया जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन जनरेशन का, और फिर इलेक्ट्रॉन जब तक एक्सटर्नल सर्किट से पास नहीं करेगा, ठीक है, जब तक उसको काउंट नहीं करेगा वन करके तब तक सेकेंड चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वो जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं डेड टाइम, ठीक है, तो डेड टाइम मतलब इट इज दैट टाइम फॉर विच काउंटर इनकैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एनी फर्दर न्यूक्लियर पार्टिकल, जब तक वो वन चार्ज पार्टिकल को काउंट नहीं करता तब तक दूसरा भी आता है तो उसको काउंट नहीं करेगा, तो दैट टाइम फॉर जीएम काउंटर इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 टू 400 माइक्रो सेकेंड। तो हमारा जो डेड टाइम होता है जीएम काउंटर का कितना माइक्रो सेकेंड होता है 200 टू 400 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड मतलब 10 रेस टू पावर माइनस 6 सेकेंड, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड होता है माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का 10 टू द पावर माइनस 6 वाला पार्ट होता है वो है माइक्रो सेकेंड, तो डेड टाइम ये हो गया। और रिकवरी टाइम क्या होता है, डेड टाइम के बाद क्या होगा, फिर काउंटर शुरू हो जाएगा डिटेक्ट करना, ठीक है, डेड टाइम के बाद फिर काउंटर डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, सो इट इज द टाइम आफ्टर विच द ओरिजिनल पल्स लेवल्स आर रिस्टोर्ड। तो ये टाइम क्या है, रिकवरी टाइम किसको बोलते हैं, डेड टाइम के बाद काउंटर फिर से स्टार्ट करेगा डिटेक्टिंग डिटेक्ट करना चार्ज पार्टिकल को, दैट इज कॉल्ड रिकवरी टाइम। और ड्यूरिंग रिकवरी टाइम पल्स के जो सिग्नल रहेंगे बहुत स्मॉल रहेंगे, स्ट्रांग सिग्नल्स नहीं रहेंगे, तो जब और फुल्ली तरीके से जब रिकवर कर लेगा तो उसके बाद सिग्नल स्ट्रांग होना शुरू होंगे, ठीक है, इट इज द टाइम आफ्टर विच ओरिजिनल पल्स लेवल्स आर रिस्टोर, ड्यूरिंग द रिकवर टाइम पल्सेस रिकॉर्डेड आर वेरी स्मॉल। जो पल्स रिकॉर्ड करेगा, करंट पल्स रिकॉर्ड करता है काउंटर में, वो पल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं ड्यूरिंग रिकवरी टाइम, ठीक है, डेड टाइम के बाद रिकवरी टाइम, ये जो पल्स होते हैं रिकवरी टाइम के वक्त ये पल्स स्मॉल होगा, ठीक है, और उसके बाद काउंटर स्टार्ट करना शुरू होगा, मतलब जब तक वन पार्टिकल डिटेक्ट नहीं किया तब तक सेकेंड पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करेगा, तो वन पार्टिकल डिटेक्ट कब करेगा, जब सारी प्रोसीजर हो जाएगी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन जनरेट होना, फिर इलेक्ट्रॉन सर्किट के बाहर निकलना और फिर उसको डिटेक्ट करना, तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है माइक्रो सेकेंड, तो वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक सेकेंड पार्टिकल ट्यूब के अंदर आएगा भी तो भी डिटेक्ट नहीं करेगा, तो उस प्रोसेस उस टाइम जो टाइम लगता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दैट टाइम इज कॉल्ड डेड टाइम। और डेड टाइम के बाद काउंटर फिर से रीस्टार्ट होता है, स्टार्ट करना शुरू काउंट करना शुरू करता है, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे, रिकवरी टाइम। सो दैट टुडे दैट्स इट, हम जीएम काउंटर पढ़ा, काउंटर का कंस्ट्रक्शन पढ़े हमने और उसका वर्किंग देखे, सिमिलर टू प्रोपोर्शनल काउंटर, अगर लास्ट लेक्चर तुमने सुना होगा तो वर्किंग सेम है, कंस्ट्रक्शन भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बोलते हैं एवलांच इफेक्ट, ये थोड़ा डिफरेंस है जीएम काउंटर में, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, एवलांच इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है, दिस इज कॉल्ड एवलांच इफेक्ट।